जी सर, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि ये बहुत सालों के बाद ये दीराना मांग थी तो अब इसमें मैगडम आ गया। पहले भी सरकारें थी, आती थी जाती थी, लेकिन उनके पास हम लोग गए। एक टाइम था बुखारी भी था, PWD मिनिस्टर और जहूर साहब के पास भी गए, कमिश्नर सेक्रेटरी सारे छान, फिर हम थक गए, फिर हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अब ये साहब आए, याकूब साहब है DDC चेयरमैन पामपुर के म्यूनिसपलिटी के, इन्होंने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया, सो वी आर हैप्पी नाउ, तो काम हो गया बहुत सालों के बाद। अब हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और भी है कुछ यहाँ रोड, ये पूरा होना चाहिए, ये नहीं अधूरा छोड़ेंगे। इसमें 2-3 लिंक रोड है, वो भी कॉलेज के लिए जाते हैं, तो उनको भी मैगनमाइजेशन किया जाए। ड्रेनेज का क्या हाल है? ड्रेनेज तो 50-50 है, कोई किसी जगह ठीक है, किसी जगह ठीक नहीं है। उसको रिवाइव करने की जरूरत, तो आप इनको रिपोर्ट दिए, हमने एप्लीकेशन भी दी है, इससे हम मीटिंगें कर रहे हैं, इसके फॉलोअप कर रहे हैं, तो लेट अस सी व्हाट हैपनिंग। कुछ डिग्री कॉलेज रोड से हमने शुरुआत की है भाई साहब, और आप देख रहे 70 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है। किसी ने आज तक इस पामपुर टाउन को नहीं पूछा, जबकि यहाँ 3 बार MLA रहा हजूर मीर साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही है, MP या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मसूदी साहब, और इस महामारी में वो गायब है, पता नहीं कहाँ पर है। और ये काम मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि काम दिखता है रोड पे। भैया आप काम देख सकते हैं, 18 करोड़ रुपया सरकार ने वाह गुजार किया इसके लिए, जो मैंने DPRS बनाए हैं, एस्टिमेटर्स बनाए हैं। इसलिए हमने यहाँ की जो मैगनमाइजेशन करना है, डिग्री कॉलेज आज शुरू किया है, और इसको हम हर गली हर कोचे में मैगनमाइज करेंगे। टाइल लगेगा, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक होगा, बिजली पोल लगेंगे, खंबे लगेंगे, इंशाल्लाह ये मेरा मिशन है। एज चेयरमैन मैं वादा करता हूँ पापोर के लोगों को, मेरे साथ रब्ता रखिए, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो जिसके लिए आपको अफसरों के पास दौड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से काम है अभी जो डेवलपमेंटल है, आप आने वाले दिनों में उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, 1,39,00,000 का मैंने अप्रूवल दे दिया, जिसका पैसा भी हमने वाक गुजार कर दिया, ड्रेनेज और ड्रेनेज का 1,39,00,000 और टाइल्स वगैरह, और इसके अलावा 1,08,00,000 रुपया मैगनमाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं वो भी चीफ इंजीनियर साहब से बात हो गई है, जितने खंभे और तार की ज़रूरत है वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पूरा करवा देंगे। और भाई साहब, जो पार्कस जो हमारे पास इस वक्त 13 पार्कस हमारे पामपुर में, इस वक्त पामपुर टाउन में, तुलबाग में 2-4 पार्कस हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मैं पार्कस में गया वहाँ लोगों ने गोबर डाला है। और मैं पामपुर के लोगों से गुजारिश करूँगा, पार्कस आपके लिए हैं, ये आपके, आपको इस पार्क में उठना बैठना है, ये दुख और सुख में यही पार्कस आपको काम आएंगे, इस पर इसको साफ रखें। और इन पार्कों के लिए मैंने पैसा वागुजार कर दिया है, किसी पार्क के लिए 35,00,000, किसी के लिए 15,00,000, किसी के लिए 10,00,000, और तमाम पार्कों के लिए मैंने पैसा वागुजार किया है। और आने वाले टाइम में देखिए इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिए ये सब काम शुरू हो जाएगा पार्कों के लिए भी। लेकिन लोगों को इस गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से, वो थोड़ा सा ख्याल रखें, साफ़ सुथरा अपने पार्क को रखें। ये जो कूड़ा कर घर से निकालते हैं तो बाहर रोड पर फेंकते हैं, पार्कस में डालते हैं, ऐसा न करें। डस्टबिन अगर किसी को चाहिए वो हमारे पास आ जाए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे डस्टबिन, हमारे पास अवेलेबल है डस्टबिन, ले जाए ना हमें टाउन, हमारे म्यूनसिपलिटी से, हमारे टाउन से हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन रोड पर ये कूड़ा करके न डालें, वो मेरी गुजारिश है लोगों से। थैंक यू।